गजाननं भूतिगणादि देवी तव
जय हो रे।
धीरे का धीरे ये आवाज़ आ रही है।
जब तक इसके चंद्र पाला सेना को प्राजय ना करो तब तक जान बैठे कौरव सेना के सेना नायक बने दे धंधा एक भाई कुर्ती भाई के बिना सोचे से हम बिना सोच करके संभाल सके विराजमान हो जाओ विराजमान का देश क्या राम सेना सभा में विराजमान हो धर्मन के बात कहने लगे आज अपने क्षेत्र में पांडव सेना ला प्राजा करके कोई उपाय बताओ कोई उपाय अपनी बात सुने राय सबने उठ करके खड़ा होके बोलने लगे राम राय हो छत्तीसगढ़ ही वेक्षण काम थे सिरा कैसे खोरवाला में सदा उपनी अच्छारी चढ़ के वैष्णव दुर्योधन के घर मामा सकनी रहे फिर एक महीने पास रहेंगे तो कैसे कहने लगे बाटा सेना रा बाट अतरा सारी हे बचा अतरा सारी कहने लगे मामा का पाटा से प्राजा के रूप का पाटा से रहा कुमार के क्रोध रवाज सुने रही सकने डर के कथी भाचा देखो ना कोनो उपाय निकाला तू भाचा कोनो ना कोनो उपाय निकाला तू अग्नि हेमन में विचार करे रही विचार करके दुर्योधन कहने लगे भाचा एक उपाय है माचा एक उपाय है हमार गुरुदनाचार्य कर जाओ भाचा गुरुदनाचार्य बड़े बड़े वेद की रचना जानते कौन वेद की रचना कर ही भाचा अब अवयु में धर्म दृष्टि बंधे बन रही कहान हमारे खुला बात सुने दुशासन करते आज अर्जुन अभी थोड़े के रास्ता बता है और जब तक के अर्जुन भूमि में रही ना तब तक के कभी सफल होने वाला ऐसे कहा है अर्जुन में पता नहीं तुम सब योद्धा का ठोका हुआ अर्जुन इतना ही डर अर्जुन से जाके अर्जुन के चलो में उपाय है माचा अब जिस समय था अर्जुन ललका के सत्यत्व में गए हिमाचा अभी अर्जुन ला जब देते में भ्रमित कर हिमाचा अधिक रचा वे की रचना कर हिमाचा वे की रचना पांडव सेना का प्राजन करके कोई उपाय बताओ बोले कोई उपाय आचार्य कथे बेटा दुर्योधन पांडव सेना ने जितना मारना आसान सोचा था बेटा उतना आसान नहीं है कि देश जा रहा दुर्योधन कथे बोले कोई तो उपाय हो गया बोले कोई तो उपाय देश जा रहा सकरी सिने कथे गिरने ते तो बड़े बड़े भी के रचना जाते सेना कोना भी के रचना कर गुदेव कोना भी के रचना Yeah.
रचना कर विश्वास लेकिन शायद आप लग जाते हैं आज कितना भी बना हुआ और भी के रास्ता अर्जुन का भला बता हूँ और जब तक के अर्जुन और भूमि पर ही ना तब तक के कभी सफल होने वाला आप एक चिंता झर कर मिले अभी से सर्वायु था अर्जुन ललकार के तुम्हें सब चेत में भ्रमित कर कौन कौन से था कौन कौन से द्वार में खड़ा हो कथे आचार्य कथे ठीक है पुत्र ध्यान लगा के सुन बेटा बता तो बेटा कौन से द्वार में कौन से था कभी ये दुर्योधन आज पहले द्वार में छोटे भाई दुशासन खड़ा हुई कथे दुशासन कथे ठीक है द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था मैं अपने तीसरे द्वार से किसी भी पांडव सेना को चक्र में प्रवेश करने चौथे द्वार में बेटा तुर मित्र अंग्रज करना खड़ा हुई कथे कहे ठीक है I'm not going to be able to do that.
कथेश्वराम भाई खुश रहो कथेश्वराम। हाथ लजोड़े कहने लगे भैया का बात है भाई आज भारी चिंता में लगा था श्याम। ये चिंता के कारण का है भैया ये चिंता के विषय का ही कथेश्वराम कथे भाई भी चिंता के तो बात है ना आज करो सर के प्रभाव से आचार्य है तो चक्रवर्ती की रचना ना करे भाई अरे चक्रवर्ती के भेदन के चलते ये धर्म रचना भेजे है कथेश्वराम। हाथ जोड़े कहने लगे पिताजी का बात है पिताजी आज हमारी चिंता में लगा था श्याम ये चिंता के कारण का है पिताजी ये चिंता के विषय का ही कथे श्याम महाराज जी के थे पुत्र बनो चिंता का बात है ना बेटा आज कुरुक्षेत्र में करो शरीर के प्रधान आचार्य तो चक्र की रचना लग रही बेटा और चक्र के भेदन की चलते ये धर्म भेजे लाला कथे श्याम यदि आप पर आ गया तो ना तो चक्कर के भेदा केवल अभिमन्यु के हाथों ही पिताजी केवल अभिमन्यु के हाथों ही बेटा कैसे बात मैं माता के घर में पले जिससे के नीति से क्यों पिताजी का थी जाना आप पिताजी आज सुना हो मही युद्ध कर आप कहते पिताजी कि चक्र के भेदन करके वापस चले आओ लेकिन चक्र भेदन जाता पिताजी लेकिन चक्र निकलो पिताजी चक्र निकलना नहीं जानो कथेश्वराम कहने लगे मिले का बात है बेटा अभी तो कहा था इसकी चक्र को भेदन जानते हो लेकिन ऐसे का कारण है जिन्हें चक्र निकलना नहीं जाना कथेश्वराम कहने लगे हाँ पिताजी आज सुना हो मही युद्ध कर हो योद्धा केवा माता
तो धर्म संकट में पिताजी बोला जाओ तो पिताजी केवल एक सहायता प्रदान कर दो पिताजी, फिर मैं परिवार के वर्ष ले सारे चक्कर भी का नाश करोगे फिर जा रहा हूँ। आपके वर पुत्र मंडल आ गया अपनी सिगरा के प्रहार से सारे सेनाओं को कुचल कर आज चक्कर के बेजार करने चले हैं।
चक्कर में के कहे भाई जाते आज पहले द्वार में सावधान हो जाओ भाई सावधान के थे चला अभी आगे ना सुने हो जदर तेरा भारी का सेना बटुला क्षेत्र के लिए चलो कथे चला हम धीरे धीरे आगे बढ़े आज चला मत कहीं में चक्र के भिड़न का निचले बेटा मैं कह ना माँ जैसे राम प्राण में चला है तो वापस चले जाओ कथे चला आज करो सेना में करो सेना के कभी पड़ गए पहले दौर में सिद्ध होने ज्यादा खड़ा करे सिद्ध होने छोटे मोह परिवार होते बनो सर कटाना चाहता है तो सावधान हो जाओ अन्यथा तो बनो अपनी महल के वापस सर कटा सकते हैं लेकिन सर छुपा सकते रहे और हम जैसे भी था रणभूमि छोड़ जाओ ऐसे बात है बेटा युद्ध करूंगा था तो उठा के ना अरे बेटा तैयार कर दीजिए ना आइए दूसरे दौर में सब कुछ करना चाह रहे
करे खड़ी शरम अब मन्नू कथे चलो सर से रथ से लड़के चलो कथे शरम रथ तो तीसरे ध्यान में धीरे धीरे आगे बढ़े जाए आज द्रोणाचार्य रथ न देखे कथे खड़े बच्चे घोटा ए काल चक्र बेटा ए मृत्यु के चक्र है ए चक्र में के भेदन में केवल तब पिता के अर्जन सिखाओ और कह रहा मान जाओ पुत्र प्राण बचाना है तो वापस चले जाओ कथे शरम क्षमा करो गुरुदेव पर आप यत्न के भूमि में शरण और यत्न के भूमि में कभी यत्न करना चाहिए योग तो करो गुरुदेव द्रोणाचार्य बात में समझाते मुर्दाई हो लेकिन द्रोणाचार्य के बात नहीं समझे ना तो द्रोणाचार्य का थे पुत्र युद्ध करो कथन बेटा ठीक है पुत्र उठाओ सर और हो जाओ तैयार का थे उठा के प्राण बचाना है तो वापस चले जाओ कथे शरण
ताश्री दुर्योधन बोले ना ताश्री आप युद्ध के भूमि में घुस गया हूँ और युद्ध के भूमि में कल युद्ध करना चाहिए युद्ध करो ताश्री चले जाओ
युद्ध के भूमि में हो श्रम और युद्ध के भूमि में कल युद्ध करना चाहिए। युद्ध करना से चक्र बेटा ए मृत्यु के चक्र जीवन चक्र में फंसना होकर मृत्यु आगे बेटा लेकिन एक काल चक्र बेटा आए बढ़ा के संबंध हो फिर फंस गए बेटा आए बढ़ा के फिर जा भी कैसे जाओ आराम करो आराम करते शराम बनाए कवि थे जो आए क्यों था
Yeah.
का प्रयास किया है। हम आपको हृदय से सादर सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं, जो हमारे इस स्नेह भरे आमंत्रण को स्वीकार करके आप हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। भैया हृदय से I'm gonna make you mine।